ओके सो आई एम लाइव नाउ एंड मैंने 10 मिनट लेट करने के लिए आपको कहा था। एक्चुअली हम थोड़ा सा चाय पीने चले गए थे। यू नो ऐसे मौसम में, जैसे मौसम इस समय गोरखपुर में है, चाय पीने का मज़ा अलग है। ठीक है, चलिए अच्छा है, बहुत बढ़िया। हम लोग मिलते हैं शिल्पी कुशवाहा, बहुत अच्छे। अच्छा, लगभग लगभग लोग आ गए हैं, कुछ लोग बहुत पहले से। जैसे मैंने ओपन किया तो मुझे दिखाई दिया कि हाँ लोग आ करके अपनी अटेंडेंस लगा चुके हैं। आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारे आने से पहले ही आप अटेंडेंस अपनी लगा दें। चलिए बहुत बढ़िया, हम थोड़ा सा चेक कर लें कि चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं, यानी कि हमारे फ़ोन में भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि हम भी अपने फ़ोन में उसको चला करके रखते हैं और हमारे सामने चलता रहता है। इससे दो बातें होती है, एक तो आपके कमेंट हमको दिखते रहते हैं, दूसरी बात ये होती है कि क्या होती है, दूसरी बात ये होती है कि हमको पता चलता रहता है कि चीज़ें एकदम ठीक ठाक चल रही हैं। और अभी फिलहाल टाइम आपका ये है कि हम लोगों को टेक्स्ट पढ़ना है। हम लोग कल और एक क्लास और शेड्यूल होनी थी, वो नहीं हो पाई थी ड्यू बिकॉज कि उस टाइम पे क्या था कि क्या था भाई, हाँ उस टाइम पे एक दिन पंकज सर की क्लास थी, दूसरे दिन हम सो गए थे। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और उस दिन शायद फिर यूनिवर्सिटी बंद भी थी, तो आप लोगों ने छुट्टियों का मज़ा लिया और फिलहाल बहुत अच्छा है। जो भी है हम लोग आ गए हैं। अच्छा एक मिनट भाई, मैं पंखा चला लूँ, मुझे लगा कि गर्मी नहीं लगेगी लेकिन गर्मी लग रही है। ठीक है, सो एक मिनट का हमें टाइम दीजिएगा और हम आए पंखा चला। ओके सो 15 स्टूडेंट्स आर लाइव नाउ, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा हम लोग फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं बिना लेट किए हुए, क्योंकि अगर अब लेट करेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चल ये आ गए हम लोग क्लास में और अब आप लोग अपनी अटेंडेंस लगाते रहिएगा और समझते रहिएगा। हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे उस दिन की क्लास में, जो कि हम लोगों का लाइव सेशन इंटरप्ट हो गया था और यहीं पर चीज़ें ब्रेक हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यू भी नहीं किया था। लाइन थी कि भाई द मैन इमीडिएटली स्टेप्स आउट फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन सीडिंग हिज शैब्रे एंड डिसमिसिंग द डेंजर फ्रॉम हिज माइंड इन अ बिजनेस लाइक वे। इतनी बात हम लोग लगभग कर चुके थे कि जो रशियन सोल्जर था वो कमरे में आया, तलाशी वलासी लेकर के चला गया और देर आफ्टर जैसे जो है लूका भी उनके पीछे पीछे गई चीज़ों को देख पाक करके। और जैसे ही रेना ने दरवाजे को बंद किया, एट वंस एंड इमीडिएटली द फ्यूजिटिव मैन द फ्यूजिटिव सोल्जर came and just he comes out, he steps out from behind of the curtain and jo talwar usne apni haath mein pakad rakhi thi, he was putting it inside the sheath, theek hai, wo usko sheath mein rakh raha tha, yani ki jo myan thi us talwar ki usme rakh raha tha। chaliye koi bhi confusion hoga aap attendance likh rahe hain, agar kahin koi beech mein confusion aayega na to usko bhi likhte rahiyega, hum padhte rahenge, hum dekhte rahenge, ठीक है। एंड फिर जो उसको दिमाग में खतरे का भाव था, एक डेंजर था उसके ऊपर, वो डेंजर भी उसको खत्म होता सा दिख रहा था और उस डेंजर के डर को जो है वो खत्म करके तब आगे वो निकल आया था। अब देखिएगा हम लोग चलते हैं, बात को समझते हैं आगे। मैन अब उस खतरे से बाहर आकर के वो क्या बोलता है, अ नैरो सेव, नैरो सेव। आपने एक बहुत अच्छा सा फ्रेज पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जरा से यहां लिख लीजिए। नैरो सेव या नैरो एस्केप का मतलब होता है उस, वो भी एक फ्रेज ही है, दैट इज जिसको क्या कहते हैं, कहावत टाइप का, दैट इज एस्केप बाय द स्किन ऑफ टूथ, ठीक है ना, एस्केप बाय द स्किन ऑफ टूथ।
मतलब बाल बाल बचना, अ नैरो सेव या अ नैरो एस्केप, दैट इज मीन्स कि बहुत बाल बाल बच गए, बट अ मिस इज एज गुड एज अ माइल, लेकिन अ मिस इज गुड एज माइल, मतलब कि अगर हम बच गए, सपोज दैट कि गोली चली और हमारे ऐसे बगल से निकल गई, तो मतलब क्या हुआ, हम बच गए ना, चाहे इतने से बचे चाहे इतने से बचे, बच गए, ठीक है। या दूसरा एक एग्जाम्पल दे दें कि अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पढ़ाई कर रहे हैं और मान लीजिए कि वहां पर जो कट ऑफ है वो 224 पर कट ऑफ हो गया, तो अगर हम 224 पर है ना, तब तो हम बच गए। अब चाहे वो एक नंबर से इन हुए, भाई एक 23 वाला जो था वो चला गया ना, तो वो क्या हुआ, जरा से गया। अब चाहे एक नंबर से पीछे रह गया या 100 नंबर से पीछे रह गया, बात बराबर, ठीक है। सेम मैनर में कि भाई बच गए, चाहे जैसे बच गए, चाहे जितनी दूरी से बच गए, लेकिन बच गए। बट अ मिस इज गुड एज अ माइल, डियर यंग लेडी योर सर्वेंट अंटिल डेथ। क्या कह रहा है कि डियर लेडी यू हैव सेव्ड मी एंड आई विल बी योर सर्वेंट अंटिल माई डेथ, ठीक है। वो आदमी कह रहा है कि भाई देवी जी, आपने हमको बचा लिया है, हमारी जीवन को बचा लिया है, आई विल बी योर सर्वेंट अंटिल डेथ, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि आई विश फॉर योर सेक आई हैड ज्वाइन द बुल्गेरियन आर्मी इंस्टेड ऑफ द सर्बियन। वो कह रहा है कि भाई काश कि मैं बुल्गेरियन आर्मी ज्वाइन किया होता इंस्टेड ऑफ द आर्मी ऑफ द सर्बियन कंट्री, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द आर्मी ऑफ द सर्बियंस। इस सर्बियंस के बजाय उसने बुल्गेरियन आर्मी ज्वाइन की होती, काश काश कि ऐसा होता है, काश कभी ऐसा होता, ठीक ना। अब वो लाइन आगे हम नहीं गाएंगे कि दो दिल होते सीने में, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको नहीं गाएंगे, लेकिन काश अगर ऐसा होता कि हम ज्वाइन करते सर्बियन आर्मी के बजाय बुल्गेरियन आर्मी, ठीक है, ऐसा ही कुछ गाना वो गाना चाहता था, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि आई एम नॉट अ नेटिव सर्बियन, मीन्स कि द मैन हु इज अ फ्यूजिटिव सोल्जर इज एक्चुअली नॉट अ सर्बियन, नॉट अ नेटिव सर्बियन, ठीक है, वो सर्बिया से नहीं है, ठीक, कहां से है अभी आगे बताएगा। रहना हॉटली, हॉटली मीन्स एरोगेंटली, डिसडेनफुली, लिख लीजिए, ये ऊपर लिखा भी है, ये देखिएगा, डिसडेनफुल, एरोगेंटली सुपीरियर एंड डिसडेनफुल, अहंकार पूर्वक बोलती है। कैसे बोलती है, क्या बोलती है, नो यू आर वन ऑफ द ऑस्ट्रियंस, हाँ तुम सर्वियन नहीं हो, बट यू आर वन ऑफ द ऑस्ट्रियंस हु सेट द सर्वियंस ऑन द रॉब्स ऑफ आवर नेशनल लिबर्टी, ठीक है, तुम सर्बियन नहीं हो, बट तुम उन ऑस्ट्रियन में से एक हो जिन्होंने हमारी नेशनल लिबर्टी को जो है चैलेंज किया है, ठीक है, रॉब ऑन अस ऑफ आवर नेशनल लिबर्टी एंड हु ऑफिसर दियर आर्मी फॉर देम, और तुम वो लोग हो उनमें से एक हो जो उनकी आर्मी को ऑफिसर करते हैं, यानी कि जहां के लोग उनकी आर्मी में ऑफिसर बनकर के आते हैं। वी हेट दिम, हम उनसे भी बड़ी घृणा करते हैं, किनसे, टू द ऑस्ट्रियंस। अब भाई ना तो ये भाई साहब सर्बियन है और ना ही ऑस्ट्रियन है, ये तो तीसरे निकले। क्या कह रहे हैं कि मैन ऑस्ट्रियन नॉट आई, मैं ऑस्ट्रियन नहीं हूं, डोंट हेट मी डियर यंग लेडी, प्लीज डू नॉट हेट मी, हमसे घृणा ना करें, इतना इतना भी जुल्म ना करें हम पर। आई एम ओनली अ स्विस फाइटिंग मेयरली एज अ प्रोफेशनल सोल्जर, मैं एक स्विस हूं, मैं स्विट्जरलैंड का निवासी हूं, स्विस मीन्स अ सिटीजन ऑफ स्विट्जरलैंड, एंड आई एम फाइटिंग हियर इन द आर्मी ऑफ सर्बिया जस्ट ओनली लाइक अ प्रोफेशनल सोल्जर, कि मैं सर्बियन आर्मी में केवल और केवल एक प्रोफेशनल सोल्जर की तरह लड़ाई कर रहा हूं, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। आई ज्वाइन सर्बिया बिकॉज इट वॉज नियरेस्ट टू मी, मीन्स कि वो इस बात का जस्टिफिकेशन देना चाहता है कि वाई ही हैज ज्वाइन द सर्बियन आर्मी, एंड द रीजन इज दैट कि सर्बिया इज फार नियर फ्रॉम स्विट्जरलैंड देन बुल्गारिया। भाई जो कंट्री, जो प्लेस आपके घर से नजदीक होगा, आप वहीं पर जॉब करना चाहेंगे, एंड ही इज डूइंग अ जॉब, अ प्रोफेशनल सोल्जर, ठीक है। तो आगे देखेंगे।
क्या कह रहे, आई ज्वाइन सर्बिया बिकॉज इट वॉज नियरेस्ट टू मी। बी जेनरस, यू हैव बीटन अस हॉलो। हॉलो मीन्स विदाउट एनी सिग्निफिकेंस, विदाउट सिग्निफिकेंस, कि भाई आप हम पर दया करें। बी जेनरस, यू हैव बीटन अस, आपने हमको हरा दिया है, हमको परास्त कर दिया है। हॉलो, हॉलो मीन्स इन अ वेरी इनसिग्निफिकेंट वे, विदाउट एनी सिग्निफिकेंस, विदाउट एनी मीन्स, आपने हमको आसानी से हरा दिया है। प्लीज बी जेनरस टू अस। रैना, हैव आई नॉट बीन जेनरस, आस्क, पूछ रही उससे, हैव आई नॉट बीन जेनरस, क्या मैं जेनरस नहीं थी, तुम्हारी जिंदगी बचा ली। भाई कोई मरने वाला था, वो सोल्जर्स आए थे, उसको वहीं काट के उठा ले जाते, तो पूछ रही कि हैव आई नॉट बीन जेनरस, क्या मैं जेनरस नहीं थी जो तुमको बचा लिया, तुम्हारी जिंदगी बचा ली। आगे, मैन नोबल, दैट वॉज नोबल, हीरोइक, दैट वॉज हीरोइक टू, बट आई एम नॉट सेव्ड येट, फिर भी मैं अभी तक बचा नहीं हूं, आई एम नॉट सेव्ड येट। दिस पर्टिकुलर रस विल सून पास थ्रू, ये अभी की जो भीड़ है, दिस पर्टिकुलर रस मीन्स जो भीड़, जो सोल्जर्स अभी आए थे, विल पास सून, बहुत जल्दी ही चले जाएंगे, विल पास सून, बहुत जल्दी से निकल जाएंगे यहां से। बट द परस्यूट विल गो ऑन ऑल नाइट बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। जरा लिखिएगा फिट्स एंड स्टार्ट्स, बहुत अच्छा फ्रेज है। फिट्स एंड, बाई फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स रुक रुक करके, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब रुक रुक करके। क्लियर है, कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन, कंफ्यूजन हो तो लिखते रहिएगा, हम बढ़ते हैं। बट परस्यूट विल गो ऑन, परस्यूट मीन्स जो पीछा करना है, विल गो ऑन, गो ऑन मीन्स विल कंटिन्यू, ऑल नाइट पूरी रात चलेगा ऐसा। आई मस्ट टेक माई चांस टू गेट ऑफ ड्यूरिंग अ क्वाइट इंटरवल। आई मस्ट टेक माई चांस, मुझे निश्चित रूप से चांस लेना चाहिए, जाने की कोशिश करनी चाहिए। टू गेट ऑफ, टू गेट ऑफ मीन्स टू गो आउट, कहा, ड्यूरिंग अ क्वाइट इंटरवल मीन्स जब बीच में एक शांत का समय हो, जब कोई ना हो, मतलब ये जो सोल्जर्स हैं ये निकल जाएं, दूसरी पार्टी आए, इससे पहले हमको क्या करना चाहिए, यहां से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इंटरवल, यू डोंट माइंड माई वेटिंग जस्ट अ मिनट और टू, डू यू। अच्छा, एक चीज, ये चीज जरा ध्यान ध्यान रखिएगा कि ये इसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, जैसे कोई बात कही जाए, कोई बात पूछी जाए, अगर वो नेगेटिव में कही या पूछी जा रही है, सर यहाँ हीरोइक का यूज क्यों किया गया है। भाई हीरोइक इसलिए यूज किया गया है कि जो रैना का एक्शन था, दैट वाज रियली अ हीरोइक। बात समझे कि नहीं, रैना का जो एक्शन था, भाई कमरे में एक फ्यूजिटिव सोल्जर को छुपा करके, दूसरा जो आर्मी का जवान आ रहा है, दूसरा जो आर्मी का सोल्जर आ रहा है, उससे कमरे की तलाशी कराना, तो ये दिस इज काइंड ऑफ वेरी हीरोइक एक्शन एक्ट, और किसी की जान बचाना अपने आप में हीरोइक एक्ट है। दैट्स वाई ही इज सेइंग हीरोइक। नोबल, नोबल मीन्स अ वेरी गुड जॉब, एंड हीरोइक मीन्स अ वेरी कोरेजियस जॉब, बहुत ही करेजियस टास्क है। ठीक है, बट आई एम नॉट सेव्ड येट। अच्छा, कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे। यू डोंट माइंड माई वेटिंग, कह रहा कि प्लीज डोंट माइंड इफ आई वेट हियर फॉर अ मिनट और टू, अगर मैं यहाँ एक दो मिनट के लिए रुकना चाहूँ, रुक जाऊं जब तक कि ये जो लोग हैं, जो सोल्जर्स हैं, ये चले नहीं जाते। डू यू, क्या आप ऐसा करेंगी, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ। डू यू, दिस इज क्वेश्चन टैग। ठीक है, आगे देखिएगा। रैना, ओ नो, आई एम सॉरी, यू विल हैव टू गो इन टू डेंजर अगेन। क्या तुम्हें फिर से इस खतरे में जाना पड़ेगा। भाई जिसको अभी अभी मैंने बचा लिया हो और पता चले कि वो फिर से खतरे में है, और मतलब फिर से जाएगा तो उसी डेंजर में पड़ेगा, देन दिस इज वेरी रेडिकुलस। आई एम सॉरी, यू विल हैव टू गो इन डेंजर अगेन। हैव टू का मतलब, हैव टू का यूज तब करते हैं जब किसी बात के लिए मजबूरी हो, किसी मजबूरी को शो करना हो, देन वहां पर हैव टू का यूज करते हैं। क्लियर,
क्या तुम्हें इस खतरे में फिर से जाना पड़ेगा? मोशनिंग टुवर्ड्स ऑटमन, मोशनिंग मीन्स मूविंग टुवर्ड्स, मोशनिंग डायरेक्ट और कमांड समवन विद अ मूवमेंट ऑफ हैंड, ठीक है, हाथों से उसको जो है किसकी तरफ, ऑटमन की तरफ धकेलते हुए आगे कहती है, क्या कहती है, वोंट यू सिट, तुम बैठना नहीं चाहोगे, वोंट यू सिट, सी ब्रेक्स ऑफ विद द इरेप्सिबल क्राई ऑफ अलार्म एज सी कैचेस साइट ऑफ द पिस्टल. सी ब्रेक्स आउट, ब्रेक आउट का मतलब यहां है स्क्रीम लाउडली, लिखिएगा ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ दैट इज स्क्रीम लाउडली, बहुत तेजी से चिल्लाना, ठीक है, विद एन इरेप्रेसिबल, इरेप्रेसिबल मीन्स नॉट एबल टू बी कंट्रोल और रेस्ट्रेन्ड, यानी कि जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, उस इमोशन के साथ, उस क्राई के साथ वो चिल्ला पड़ी, ऑफ अलार्म, बहुत जोर से चीखी चिल्लाई, क्या हुआ, क्यों ऐसा की, एज सी कैचेस साइट ऑफ द पिस्टल, जैसे उसने ऑटोमन पर वो पिस्टल रखी देखी, वो जोर से चिल्लाई, पिस्टल किसकी थी, उसी सोल्जर की थी, और वो उस पूरे टाइम वहीं पर पड़ी थी जितने समय वो सोल्जर, रशियन सोल्जर अंदर आकर के सर्च कर रहा था उसकी, ठीक है, आगे देखेंगे. द मैन ऑल नर्वस सीज लाइक अ फ्राइटेंड हॉर्स, जो आदमी था ऑल नर्वस, बहुत ज्यादा नर्वसनेस में क्या करता है, सीज, सीज दैट इज मींस स्पेशली फॉर हॉर्स, ये जो वर्ड है ये स्पेशली हॉर्स के लिए यूज होता है, किस कंडीशन में, ठीक है, स्टार्ट सडनली असाइड इन फ्राइट एट एन ऑब्जेक्ट नॉइज आर मूवमेंट, यानी कि जैसे घोड़ों के आसपास कोई ऐसा मूवमेंट हो जाए, कोई ऐसा जो है सडन साउंड हो जाए, तो विदक जाते हैं, विदक करके, डर करके एक कोने में छुपने की कोशिश करते हैं. इन द सेम मैनर दैट इज वो आदमी भी जो सोल्जर था, वो इसके चिल्लाने की वजह से एक तरफ हो गया डर करके, लाइक अ फ्राइटेंड हॉर्स, एक डरे हुए घोड़े की तरह वो भी किनारे की तरफ बढ़ जाता है. आगे देखिएगा, मैन इरिटेबली, बड़ा इरिटेट सा होता हुआ, ठीक है, क्या बोलता है, डोंट फ्राइटन मी लाइक दैट, दैट इज इट, सॉरी व्हाट इज इट, कह रहा है कि प्लीज प्लीज डोंट फ्राइटन मी लाइक दैट, मुझे इस तरह से मत डराइए, व्हाट इज इट, क्या था ये, क्यों डरा रही हैं इसे. रैना, योर पिस्टल, तुम्हारी पिस्टल यहां पड़ी है. इट वॉज स्टारिंग दैट ऑफिसर इन द फेस ऑल द टाइम, मीन्स जब तक वो रशियन ऑफिसर यहां था, ऑल द टाइम दिस पिस्टल वॉज स्टिल हियर, ये पिस्टल यहीं पर थी वो पूरे समय जब तक वो रशियन ऑफिसर यहां पर था. वॉट एन स्केप, कितना बाल बाल बचे, वॉट एन स्केप, ठीक ना, कितना बारीकी से बच गए, ठीक है. पूजा यादव रोल नंबर कैसे पता चलेगा, कोई बता सकता है? पूजा जी, ये रोल नंबर उनका है जो इस बैच में एनरोल्ड हैं, और रोल नंबर सिर्फ इतनी सी बात का है कि हमारे पास जो हमने एक लिस्ट बना रखी, हम लिस्ट आपको दिखाते हैं, ठीक है, इसी लिस्ट का रोल नंबर है. इस रोल नंबर का मतलब सिर्फ इतना है, ये जो लिस्ट हमने बना रखी है, इस लिस्ट का रोल नंबर है, और इस रोल नंबर का सिर्फ और सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब आप रोल नंबर लिख देते हैं तो हमें लिस्ट में आपका नाम खोजना नहीं पड़ता है, जो रोल नंबर नहीं लिखते हैं उनका नाम हमें पढ़ करके खोजना पड़ता है. तो आप में ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका नाम हमारी इस लिस्ट में ना हो. ऑलमोस्ट हमें लगता है 45 स्टूडेंट्स की हमारे पास लिस्ट है, जिसमें से मैक्स 30 जो है क्लास को अटेंड करते हैं लाइव में, बाद में देखते हो तो पता नहीं. तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर आप कहेंगे तो मैं लिस्ट को आज फिर से डाल दूंगा ग्रुप में फोटो खींच करके. अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो आप बताइएगा, हम आपका नाम फिर से ऐड कर देंगे, तो आपको रोल नंबर इसी में से मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्लास को
कंटिन्यू करते रहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं मैन। इरिटेबली, आदमी जो है डर करके इरिटेशन के साथ बोलता है डोंट फ्राइटन मी लाइक दैट, कि प्लीज मैम मुझे इस तरह से मत डराइए, व्हाट इज क्या है ये। आगे कहता है रैना, कहती योर पिस्टल, कि तुम्हारी ये जो पिस्टल है, जो तुम्हारी गन है, ये पूरे टाइम यहीं पड़ी थी। बड़ा जो है बारीक एस्केप है। तो सर बता दीजिए। अरे अभी कैसे बता दें, आपको लिस्ट हम डाल देंगे, वहां से चेक कर लीजिए, अगर नहीं है तो पूजा जायसवाल नाम है क्या आपका भाई? नहीं, पूजा यादव, पूजा जायसवाल मुझे इसमें दिख रहा है, और दूसरी पूजा नहीं है भाई। ठीक है, तो लिस्ट हम डाल देंगे ग्रुप में, आप चेक कर लीजिएगा, आगे देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज मैन। वेक्स्ड, वेक्स्ड बढ़िया वर्ड है, लिखिएगा इसको। वेक्स्ड का मतलब है एनाइड, एनाइड मतलब गुस्सा होना, ठीक है, एनाइड, फ्रस्ट्रेटेड और वरीड, चिंतित होना, ठीक है। लिखिएगा एट बिगनिंग अननेसेसरली टेरिफाइड, मतलब शुरुआत में जो अननेसेसरली वो टेरिफाइड हुआ था, डर गया था, उस पर वो चिंतित होता है। ओह इज दैट ऑल, ये बात है, इस बात पे आप चिल्लाई, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखिएगा रैना, स्टारिंग एट हिम रादर सुपरसिलियसली। देखिए एक्चुअल वर्ड है सुपरसिलियस, वर्ड क्या है भाई, ये इधर बगल में देखिएगा, सुपरसिलियस, और सुपरसिलियस का मतलब होता है बिहेविंग आर लुकिंग एज दो वन थिंक्स वन इज सुपीरियर टू अदर, मीन्स किसी की तरफ ऐसे देखना या किसी के साथ ऐसे बिहेव करना जैसे कि आप उससे सुपीरियर हैं, ठीक है। तो क्या कह रही है कि भाई स्टार्टिंग एट हिम रादर सुपरसिलियसली, सुपरसिलियस का जो एडजेक्टिव फॉर्म बना, सॉरी एडवर्ब फॉर्म बना, वो क्या बन गया, सुपरसिलियस, सुपरसिलियसली मींस कि अपने आप को वो उससे बेटर दिखाने की कोशिश करते हुए उसकी तरफ देखी, ठीक है। आगे क्या किया उसने, कंसीविंग अ पुअरर एंड पुअरर ओपिनियन ऑफ हिम। कंसीव का मतलब है एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना, अपने अंदर संजोना बनाए रखना, ठीक है। अ पुअरर एंड पुअरर, पुअर की जो है कंपेरेटिव डिग्री, यानी कि पहले से ज्यादा बुरा, यानी कि पहले से ज्यादा दयनीय, पहले से ज्यादा, यहां गरीब नहीं समझिएगा पुअर का मतलब, ठीक है, यहां दयनीय, ठीक। अ पुअरर एंड पुअरर ओपिनियन ऑफ हिम, उसके संबंध में एक जो है पहले से भी बुरा जो है ओपिनियन बनाते हुए वो जो है उसकी तरफ देखती है। एंड फीलिंग प्रोपोर्शनेटली मोर एंड मोर एट हर ईज विद हिम, और उसकी अपेक्षा, पहले की अपेक्षा वो थोड़ा सा सहज होने की कोशिश करती है, ठीक है। और उस सहज होने की कोशिश में क्या कहती है, आई एम सॉरी, मुझे दुख है, आई फ्राइटेंड यू, मैंने तुम्हें डराया, सॉरी, आई फ्राइटेंड यू, मैंने तुम्हें डराया। सी टेक्स अप द पिस्टल एंड हैंड्स इट टू हिम, उसने पिस्टल उठाई और उसको दे दिया, किसको, जो फ्यूजिटिव सोल्जर था, जो आदमी था, ठीक है। प्रे लाइक इट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट मी। प्रे, प्रे मीन्स आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्रेइंग यू, टेक इट, प्लीज टेक योर पिस्टल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट मी, किस लिए इसको लीजिए, ताकि आप खुद को हमारे खिलाफ प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट मी, सो टेक योर पिस्टल, ठीक है। आगे देखिएगा मैन, ग्रिनिंग वियरली। सर प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शन सुना है हरिप्रिया, प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसी प्रोपोर्शन से वर्ड बनता है प्रोपोर्शनल,
और प्रोपोर्शनल से आगे वर्ड बना प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शन का मतलब हुआ हिस्सेदारी, भाग, ठीक है, और प्रोपोर्शनल, ठीक है, हिस्सेदारी से युक्त मतलब भाग से युक्त, प्रोपोर्शनली मतलब की अपेक्षा, मतलब जितने भाग में जितने हिस्से में पहले था उतने की अपेक्षा कम, ठीक है। आगे देखिएगा ग्रीमिंग, ग्रीमिंग का मतलब लिखिएगा स्माइलिंग ब्रॉडली, ठीक है, बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा वाला, जैसे क्या नाम है उसका भाई, वो साउथ की एक एक्ट्रेस है, बहुत जोर से इतना इतना मुंह फैला करके मुस्कुराती है, ठीक है, रश्मिका मंधाना, तो रश्मिका मंधाना की तरह इतना लंबा सा मुंह फैला करके उसने मुस्कुराया। यहां पर उसका सेंस क्या है भाई, प्रोपोर्शनली का मतलब है, जरा फिर से यहां पर आइए, कहां गया वर्ड, ठीक है, एंड फीलिंग प्रोपोर्शनली मोर एंड मोर एट हर ईज विद हिम, मतलब जितना वो उसके प्रति इजी थी उससे ज्यादा कहीं फील कर रही थी, करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, मतलब अभी कुछ देर पहले जैसे उसके साथ बिहेव कर रही थी और अभी के बिहेव में उसका अंतर दिखाने के लिए प्रोपोर्शनली का यूज हुआ है, क्लियर। अब आगे वापस आते हैं हम लोग, आगे मैन क्या है, ग्रीनिंग, ग्रीनिंग हमने बताया दैट इज स्माइलिंग ब्रॉडली लाइक रश्मिका मंधाना, ठीक है, तो एट द सरकाज्म, सरकाज्म जो है मतलब होता है एक तरीके से व्यंग, ठीक है, सरकाज्म क्या कहेंगे इसको आप, व्यंग, ठीक है, जो अभी ये जो लाइन है ये वाली लाइन है, प्रे टेक इट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट मी, भाई आप ये सोचो कि आपने मेरी जान अभी अभी बचाई और फिर आप ही हमको हमारी पिस्टल उठा करके दे दीजिए कि कहिए आप, हाँ, अपने आप को इस पिस्टल की मदद से हमसे बचाइए, तो दिस इज सरकाज्म, भाई हमारी जान तो आपने ही बचाई तो अब हम क्या करेंगे पिस्टल का, तो दिस इज सरकाज्म, और यही इसमें एंटी रोमेंटिसिज्म है, एंटी वार है, मींस समहाउ दिस प्ले इज अगेंस्ट द फीलिंग्स ऑफ वॉर, अगेंस्ट द वॉर, एंड इट इज प्रमोटिंग लव, बात समझ में आ गई, तो ये एक तरीके से लव को प्रमोट कर रहा है, सामंजस्य को प्रमोट कर रहा है, ना कि वार को, वार को ये एक तरीके से एंड करने की कोशिश है, भाई आप के घर में आपका दुश्मन आ जाए और उसकी जान खतरे में हो और आप क्या करें, उसको जो है मारने के बजाय उसकी जान बचाएं, तो मतलब क्या है इसका, मतलब यही है कि आप भला चाहते हैं, समाज का भला चाहते हैं, उस व्यक्ति का भला चाहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, ग्रिनिंग वियरली एट द सरकास्म, जो उसने व्यंग किया था उस पर मुस्कुराते हुए, ठीक है, एज ही टेक्स द पिस्टल, और उसने पिस्टल को लेते हुए मुस्कुराते हुए जो उसने व्यंग किया उस पर उसने मुस्कुरा करके अपना एक्सप्रेशन दिया, क्या बोला, नो यूज डियर यंग लेडी, डियर यंग लेडी दिस पिस्टल हैज नो यूज, इसका कोई काम नहीं है, देयर इज नथिंग इन इट, इसमें कुछ भी नहीं है, गोली ही नहीं है, और बिना गोली के बंदूक का क्या काम, इट इज नॉट लोडेड, ये लोडेड नहीं है, इसमें गोली नहीं है, He takes a grimace at it. Grimace means an ugly, twisted expression on a person's face. ठीक है, एक बुरा सा मुंह बना करके उसने जो है ये बात उसको बताई, और पिस्टल को देख करके उसने एक बुरा सा मुंह बनाया, disgusting मुंह बनाया, ठीक है, at it and drops it this. एंड ड्रॉप्स इट डिस्पैरेजिंगली, ठीक है, डिस्पैरेजिंगली इनटू हिज रिवॉल्वर केस, और बहुत ही घृणापूर्ण तरीके से, डिस्पैरेजिंगली मींस इन अ डिसगस्टिंग वे, ठीक है, इन अ वेरी डिसगस्टिंग मैनर, बहुत ही घृणापूर्व तरीके से उसने क्या किया, इसको अपने रिवॉल्वर केस में जो उसके कमर से बंधा हुआ था
उसमें उसने इसको रख लिया, डाल दिया। क्लियर? आगे देखते हैं, दैट इज रैना। लोड इट बाय ऑल मीन्स, मतलब उसका कहने का सेंस ये है कि इसमें जितनी जितनी गोलियां आती हैं उतनी गोलियों से इसे लोड करो। लोड इट बाय ऑल मीन्स, ठीक है, जितनी बंदूक की गोलियां इसमें आ सकती उतनी गोलियां इसमें डालो। मैन, आई हैव नो अम्यूशन, हमारे पास कोई गोली नहीं। वॉट यूज आर, कार्ट्रिज इन बैटल, आई ऑलवेज कैरी चॉकलेट इंस्टेड एंड आई फिनिश्ड द लास्ट केक ऑफ दैट यस्टरडे। कह रहा है कि भाई वॉट यू, आई हैव नो अम्यूजन। अम्यूजन का मतलब है गोला बारूद, गोलियां, कि भाई हमारे पास कोई गोली नहीं। एंड वॉट यूज आर कार्ट्रिज इन बैटल, कार्ट्रिज दैट इज कारतूस, जो गोली है, ठीक है, कारतूस, भाई गोलियों की क्या जरूरत है किसी वार में। अब भाई लड़ाई करने जाएंगे, बंदूक की गोली लेकर नहीं जाइएगा तो क्या जाइएगा, लेमन जूस लेकर के। लेकिन इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वार में इसका क्या यूज है। इन बैटल आई ऑलवेज कैरी चॉकलेट इंस्टेड, मैं गोलियों के बजाय हमेशा चॉकलेट ले जाया करता हूं। एंड आई फिनिश द लास्ट केक ऑफ दैट, उस चॉकलेट का लास्ट केक मैंने अभी कल खत्म किया है, ठीक ना, अभी कल मैंने उस चॉकलेट का लास्ट केक फिनिश किया है। रैना आउटरेज्ड, आउटरेज्ड दैट इज इन वेरी एंग्री, इन अ वेरी एंग्री मैनर, बहुत गुस्से में। इन हर मोस्ट चेरिस्ड आइडियल्स ऑफ मैनहुड, जो उसका मैनहुड का हाईएस्ट आइडियल था, उस गुस्से से भर करके बोलते, चॉकलेट इन वेरी डिस्गस्टिंग मैनर। उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कैसा आदमी है चॉकलेट लेकर के लड़ाई करने जाता है। डू यू स्टफ योर पॉकेट्स विद स्वीट्स, तुम अपने जेब में अपनी पॉकेट्स में मिठाइयां भर करके लेके जाते हो, चॉकलेट लेकर के जाते हो, कैसे गंदे आदमी। लाइक अ स्कूल बॉय इवन इन द फील्ड, फील्ड दैट इज बैटल फील्ड, कि इवन इन द बैटल फील्ड यू स्टफ योर पॉकेट विथ चॉकलेट्स विथ स्वीट्स लाइक ए स्कूल बॉय, तुम एक स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे की तरह अपने जेब में अपने पॉकेट में चॉकलेट और मिठाइयां भर करके ले जाते हो, कैसे गंदे आदमी हो भाई। आगे देखिएगा, मैन, यस इजंट इट कंपेट कंटेम्पटेबल, सॉरी इजंट इट कंटेम्पटेबल, ये अच्छा नहीं है। रैना स्टेयर्स एट हिम अनेबल टू अटर हर फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स को बोल करके एक्सप्रेस कर पाने में असक्षम थी, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, ठीक ना। देन सी सेल्स अवे स्कॉर्नफुली टू द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, और इसलिए उसने क्या किया कि बहुत ही स्कॉर्नफुली, घृणापूर्ण तरीके से, घृणा से भरते हुए वो उसके पास से हट करके चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स की तरफ चली गई, थोड़ा सा मूव कर गई। एंड रिटर्न्स विद अ बॉक्स ऑफ कॉन्फेक्शनरी इन हर हैंड, कॉन्फेक्शनरी आपने दुकानों पर लिखा हुआ देखा होगा, जहां पर चॉकलेट वगैरह मिल जाता है, जहां पर केक वगैरह मिलता है, वहां पर केक्स एंड कन्फेक्शनरीज लिखा हुआ देखा होगा आपने। तो वो एक जो है कन्फेक्शनरी का बॉक्स लेकर के, एक डिब्बा लेकर के आई और उसके अपने हाथ में, ठीक है, रिटर्न्स विद द बॉक्स ऑफ कॉन्फेक्शनरी इन हर हैंड, ठीक, जो चॉकलेट का डिब्बा, चॉकलेट क्रीम का डिब्बा हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था कि उसके चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स पर रखा हुआ है, वही डिब्बा लेकर के वो आती है। क्या कहती है रैना, अलाउ मी, आई एम सॉरी, आई हैव ईटन देम ऑल एक्सेप्ट दीज,
ठीक है, कह रही कि अलाउ मी, प्लीज अलाउ मी टू गिव यू, बट आई एम सॉरी कि आई हैव ईटन देम ऑल एक्सेप्ट दीज, इस डिब्बे में इतना जरा सा बचा है, बाकी सबका सब मैंने खा लिया है, सो प्लीज टेक इट। सी ऑफर्स हिम द बॉक्स, उसने वो डिब्बा उस सोल्जर को पकड़ा दिया। मैन रेवेनसली, यू आर एन एंजल, बहुत खुश होकर के बोलता है कि यू आर एन एंजल, आप किसी देवी से कम नहीं है, यू आर नॉट लेस देन एन एंजल, किसी देवदूत से आप कम नहीं है। ही गॉबल्स द कॉम्फिट्स, क्रीम्स डेलिशियस, उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा, मीन्स ही इज एक्सक्लेमिंग दैट द क्रीम्स एंड द स्वीट्स आर वेरी डेलिशियस। वो जो है उस चॉकलेट क्रीम के डिब्बे को बहुत जल्दी से ग्रैब कर लेता है, इसे पकड़ लेता है, लेकर के खाना स्टार्ट कर देता है। आगे देखिएगा, ही लुक्स एनेक्सियसली टू सी वेदर देयर आर एनी मोर, और सब खत्म कर लेने के बाद वो इस बात के लिए और देखने की कोशिश किया, जैसे कभी बच्चों को देखा हो, या आपने खुद भी किया होगा, हमने भी खुद किया है, जैसे कोई बहुत टेस्टी चीज़ खाने के लिए मिल जाती है तो उसको तो पहले खाते हैं, थोड़ा थोड़ा टेस्ट ले लेकर के खाते हैं, एंड देयर आफ्टर उसका डिब्बा उब्बा टटोल करके देख लेते हैं, कहीं छोटा बहुत कण उसका लगा हो तो उसको भी निकाल करके खा लेते हैं, मीन्स उसको पूरी तरह से अच्छे से साफ कर लेते हैं। तो वही काम ये महोदय भी कर रहे थे कि ही लुक्स अनएक्जियसली टू सी, वो बहुत चिंतित दिखा, बहुत अनएक्जियस दिखा टू सी, इस बात को देखने के लिए वेदर देयर आर एनी मोर, कि क्या उस डिब्बे में और भी चॉकलेट क्रीम बचा हुआ है। देयर आर नन, अब वहां पर कुछ नहीं बचा था। ठीक है, ही एक्सेप्ट्स द इनविटेबल विद पैथेटिक गुड ह्यूमर, और उसने इस निश्चितता को, उसने इस सच्चाई को एक पैथेटिक गुड ह्यूमर के साथ, देखिएगा, पैथेटिक गुड ह्यूमर इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन। ठीक है, हम लोग अभी पिछली क्लासेस में जो दूसरी क्लासेस हुई थी, जिन्होंने अटेंड किया होगा, फिगर ऑफ स्पीच की, वहां पर चर्चा किया था कि ये ऑक्सीमोरन क्या है। ऑक्सीमोरन जब कोई दो अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स एक साथ आ जाएं साइड बाय साइड, तो उसे क्या कहते हैं भैया, ऑक्सीमोरन कहते हैं। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में वो ऑक्सीमोरन हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे फिर। एंड सेज, और कहता है, क्या कहता है भाई, विद ग्रेसफुल इमोशन, बहुत ग्रेसफुल इमोशन के साथ कहता है, क्या कहता है, ब्लेस यू डियर लेडी, भगवान आपको लंबी उम्र दे। ठीक ना, जैसे आपको कोई बहुत अच्छी चीज दे दे तो आप उसको बड़ा जो है ऐसा खुश खुश रहने वाला आशीर्वाद जैसा अपने मन में उसको कहते हैं। ठीक ना, आगे जरा देखिएगा क्या कह रहा है, ब्लेस यू लेडी, ब्लेस यू डियर लेडी, यू कैन ऑलवेज टिल एन ओल्ड सोल्जर बाई द इनसाइड ऑफ हिज होल्स्टर्स एंड कैरेटर्स बॉक्स। एक मिनट, मैं अटेंडेंस आपकी मार्क कर रहा हूं, जरा सा कर लो। चलिए, हाँ, यू कैन ऑलवेज टेल, आप हमेशा ये बात बता सकती हैं कि एन ओल्ड सोल्जर, की एक जो है एजेड सोल्जर, बाय द इनसाइड ऑफ हिज होल्स्टर्स एंड कार्ट्रिज बॉक्स, वो अपने सामान में और अपनी गोलियों के बॉक्स में, होल्स्टर्स दैट इज बंडल ऑफ हिज गुड्स, ठीक है, होल्स्टर्स दैट इज अ होल्डर फॉर कैरिंग
हैंडगन और अदर फायर आर्म्स टिपिकली मेड ऑफ लेदर एंड वॉर्न ऑन अ बेल्ट और अंडर एट द आर्म्स। ठीक है, जो सोल्जर्स का एक लेदर का बना हुआ बैग जैसा झोला होता है उसको होल्स्टर्स कहते हैं, उसमें और जो उसके कार्ट्रेज बॉक्स होते हैं उसमें, यानी कि जो उसके शस्त्रों को ले जाने का बैग होता है और जो उसके गोलियों को ले जाने का बॉक्स होता है, दोनों में ये बूढ़ा सोल्जर, ये एजेड सोल्जर क्या करता था, वो चॉकलेट क्रीम लेकर के जाता था, मिठाइयाँ लेकर के जाता था। क्या कहता था? द यंग वंस कैरी पिस्टल। सॉरी, थोड़ा सा हम गलत बता रहे हैं आपको। यू कैन ऑलवेज टेल एन ओल्ड सोल्जर बाय द इनसाइड ऑफ हिज होल्स्टर्स एंड कार्ट्रेज बॉक्स। कि एक जो ओल्ड सोल्जर होता है वो अपने होल्स्टर्स और कार्ट्रेज बॉक्स में गोलियां और आर्म्स लेकर के जाता है, हथियार लेकर के जाता है, जबकि क्या करता है, द यंग वन जो युवा सोल्जर्स हैं वो क्या करते हैं, कैरी पिस्टल्स एंड कार्ट्रेज। ठीक है, वो पिस्टल्स और गोलियों को लेकर के जाते हैं, द ओल्ड वंस ग्रब, थैंक यू। ठीक है, वो इसको ग्रब करते हैं। ठीक, आपको ऐसा बताया गया होगा। ही हैंड्स बैक द बॉक्स, उसने उस बॉक्स को हैंड बैक किया, वापस किया। हैंड बैक मतलब वापस करना। सी स्नैचेस इट, उसने झटके से ऐसे स्नैच कर लिया, ले लिया झटके से। ठीक है, कंटेम्प्टुअसली, कंटेम्प्टुअसली मीन्स घृणापूर्ण तरीके से। बहुत सारे वर्ड जो है घृणा के लिए आए हैं यहाँ। कंटेम्प्टुअसली उसने इसको ले लिया फ्रॉम हिम, उससे, उसके हाथों से, एंड थ्रोज इट अवे, और इसको लेकर के ऐसे फेंक दिया, उसके हाथों से छीना, ऐसे फेंक दिया। दिस इम्पेशेंट एक्शन इज सो सडन दैट ही सीज अगेन। ठीक है, ग्रब का मतलब होता है पकड़ लेना, ले लेना, खींच लेना। ठीक ना, बात समझ में आ गई? हाँ। दिस इम्पेशेंट एक्शन, उसका जो ये अधीरता भरा एक्शन था, कार्य था, एंड सो सडन, वो इतना जल्दबाजी भरा था, इतना अचानक से हुआ, दैट ही सीजेस अगेन। कि सीजेस अभी मीनिंग पहले आपने देखी थी, घोड़े की तरह से डर जाना। ठीक है, कि वो जो सोल्जर है, जो फ्यूजिटिव है, वो जो है फिर से डर गया। आगे देखें, उह, डोंट डू थिंग्स सो सडनली ग्रेसियस लेडी, ऐसे चीजों को इतने अचानक से मत करिए। डोंट रिवेंज योर सेल्फ बिकॉज आई फ्राइटेंड यू जस्ट नाउ। अब मैंने आपको डराया था, इसका रेवेंज आप हमसे अभी नहीं लीजिए। ठीक है, डोंट रिवेंज योर सेल्फ, अपने जो हमने आपको डराया था उसका बदला नहीं लीजिए हमसे। बिकॉज आई फ्राइटेंड यू जस्ट नाउ, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको डराया था, उसका बदला आप हमसे नहीं लीजिए। आगे देखें, रैना, सुपरबली फ्राइटन मी, तुमने डराया था मुझे। डू यू नो सर, क्या आप इसका मतलब जानते हैं? दैट दो आई एम ओनली अ वेमेन, आई थिंक आई एम एट हार्ट एज ब्रेव एज यू। दो दो मीन्स यद्यपि आई एम ओनली अ वेमेन, मैं एक महिला हूं, एक औरत हूं, आई थिंक आई एम एट हार्ट एज ब्रेव एज यू, फिर भी मैं अंदर से दिल में उतनी बहादुर हूं जितना कि तुम। यानी कि बात अलग है कि मैं एक महिला हूं, मैं एक औरत हूं, फिर भी मैं तुम्हारे जितनी ही बहादुर हूं अंदर से। जितने ब्रेव तुम हो उतने ब्रेव हम भी हैं, तुमसे कतई कम नहीं है। ठीक ना, वो अनामिका अंबर की वो लाइन याद करना, नहीं सुनी होगी तो जाकर के सुनना। लाइन उस कहती है, लास्ट लाइन उसकी एक मुक्तक है, उस मुक्तक का लाइन कहती है कि अगर तुमसे नहीं ज्यादा तो कमतर भी नहीं हूं। मतलब वो कंपेयर करती है, मेल से कंपेयर करती है, एक तरीके का फेमिनिज्म यूज करती है, कि वो कहती है कि अगर वो पुरुषों से ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। तो वही बात यहां रहना कह रही है
कि भले ही मैं औरत हूं, फिर भी अगर करेज की बात की जाए, हार्ट में ब्रेवरी की बात की जाए, तो तुमसे कहीं भी कम नहीं हूं मैं। आगे देखिए, मैन आई शुड थिंक सो, मैं ऐसा विचार कर सकता हूं, मैं ऐसा मानता हूं। यू हैवंट बीन अंडर फायर फॉर 3 डेज एज आई हैव। लेकिन एक अंतर है, अंतर क्या है? यू हैवंट बीन अंडर फायर फॉर 3 डेज एज आई हैव। जैसे कि मैं पिछले 3 दिनों से अंडर फायर था। अंडर फायर का मतलब है कि चलती हुई गोलियों के बीच में था, हमारे आसपास गोलियां चल रही थी। यू हैवंट बीन, तुम नहीं थी ऐसी गोलियों के बीच में, ठीक है? मेरे जैसे तुम चलती हुई गोलियों के बीच में 3 दिनों से पिछले नहीं थी। आई कैन स्टैंड 2 डेज विदाउट सेविंग इट मच, बट नो मैन कैन स्टैंड 3 डेज। मैं 2 दिन तक इस तरह से खड़ा रह सकता हूं, मैं 2 दिन तक इस तरह से चल सकता हूं, बट 3 दिन तक नॉट पॉसिबल। भाई 2 दिन तक तो लड़ सकता है कोई, लेकिन 3 दिन बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है? आगे क्या कह रहा है कि बट नो मैन कैन स्टैंड 3 डेज। आई एम एज नर्वस एज अ माउस, मैं ठीक उतना ही नर्वस हूं, ठीक उतना ही डरा हुआ हूं जैसे कि एक चूहा, ठीक है? जैसे कोई चूहा होता है, चुपके से आता है, बिल्ली का आहट या किसी की भी आहट पाते ही जल्दी से बिल की तरफ भागने की कोशिश करता है, इन द सेम मैनर मैं भी वैसे किसी चूहे की तरह डर गया। ही सिट्स डाउन ऑन द ऑटोमन, वो उस दीवान पर बैठ जाता है, ऑटोमन पर बैठ जाता है। वुड यू लाइक टू सी मी क्राई, क्या आप मुझे रोते हुए देखना चाहती हैं? वुड यू लाइक टू सी मी क्राई, क्या मुझे रोते हुए आप देखना चाहती हैं? आगे देखिए, चलिए ये तो हमारा अगला सेशन का काम आ गया, अभी कंटिन्यू करना चाहिए, जल्दी से बताइएगा, समय भी काफी हो चुका है, लगभग 10 बजने को हैं। अगर आप चाहें देन वी कैन कंटिन्यू, और वी कैन कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। वैना की स्पीच से आगे कंटिन्यू करना है, जल्दी से बताइएगा, कमेंट में लिखिए फटाफट से, देन हम कंटिन्यू। वैसे हमें लगता है 10 बज गए हैं, क्लासेस का टाइम ओवर होना चाहिए। यस, कंटिन्यू करना चाहिए, वेरी गुड। अरे यस का मतलब क्या? यस दोनों में होता है ना, कंटिन्यू में भी स्टॉप में भी, कंटिन्यू। ओके चलो, हमें क्या जाता है, थोड़ी देर और कंटिन्यू कर लेते हैं, कुछ आगे बढ़ जाएगा। रहना, नो, नहीं, मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास है, कितने बजे से है सौम्या? 9:00 क्लास कितने बजे से है? ज्यादातर यही कह रहे हैं भाई कंटिन्यू करिए। प्रतिमा कह रही नो, अच्छा नो कंटिन्यू। एक ने लिखा नेक्स्ट क्लास है, अच्छा सौम्या ने डिलीट भी कर दिया कि नेक्स्ट क्लास है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास नहीं है तो हम लोग थोड़ी देर और कंटिन्यू करते हैं, अगर 15 मिनट 20 मिनट भी कंटिन्यू कर लिए तो चीजें और बेटर हो जाएंगी, ठीक है? रैना, रैना उसके क्वेश्चन का आंसर करती है, दैट इज नो, कि सी डोंट वांट टू सी हिम क्राइंग, वो उसको रोता। 10:40 से है ना, तब कोई दिक्कत नहीं, तब हम लोग थोड़ी देर क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, रैना मैम, इफ यू वुड ऑल, इफ यू वुड ऑल यू हैव टू डू इज टू स्कॉल्ड मी जस्ट एज इफ आई वर अ लिटिल बॉय एंड यू माय नर्स। अगर आप मुझे, इफ यू वुड मींस इफ यू वुड लाइक टू सी मी क्राइंग, अगर आप मुझे रोता हुआ देखना चाहती हैं, देन क्या करना चाहिए आपको? ऑल यू हैव टू डू, तो आपको बस इतना करना है, दैट इज टू स्कोल्ड मी। स्कोल्ड जरा लिखिएगा, स्कोल्ड का मतलब है डांटना या फटकारना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमें फटकार लगानी है। कैसे लगानी है? जस्ट एज इफ आई वर अ लिटिल बॉय एंड यू माय नर्स। आपको सिर्फ इतना करना है
कि जैसे आप जो है एक नर्स हैं और मैं एक छोटा सा लड़का। नर्स का मतलब यहां पर वो हॉस्पिटल वाली नर्स से नहीं है, नर्स का मतलब है अ लेडी हु टेक्स केयर ऑफ अ बॉय, ठीक ना। एक औरत, एक महिला जो छोटे बच्चों की देखभाल करती है घर में, आया जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसकी तरह मान लीजिए कि आप एक छोटे से बच्चे की आया है और मैं एक छोटा सा बच्चा, और आप उसकी तरह से हमको जस्ट आप थोड़ा सा डांट दीजिए और हम रो लेंगे। इफ आई वर इन कैंप नाउ दे प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रिक्स ऑन मी। अगर हम कैंप में होते, कैंप की, किस कैंप की बात कर रहा है, अगर वो सोल्जर्स के द्वारा पकड़ लिया गया होता और सोल्जर्स उसको कैंप में ले जाते, तो सोल्जर्स क्या करते कि दे वुड वुड प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रिक ऑन मी। तो वो सारी ट्रिक्स जो होती हैं जो किसी से कोई बात निकलवाने के लिए, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन इसमें है क्या? एब्स्ट्रैक्शन इसमें तो नहीं है। चलिए, हाँ, तो वो जो है वो सारे ट्रिक्स का यूज करते, मतलब जो बुल्गेरियन आर्मी के सोल्जर्स हैं उस पर अपने सारे ट्रिक्स का यूज करते, ठीक। आगे क्या कह रहा है? रहना अ लिटिल मूव्ड। लिटिल मूव्ड मतलब उसकी बातों से वो थोड़ा सा मतलब द्रवित हुई, टू फील मूव, थोड़ा सा मूव्ड फील करने लगी, ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे दुख है। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं। टच्ड बाई द सिंपैथी इन हर टोन, उसकी जो वाणी थी, उसका जो बोलने का टोन था, उसमें सिंपैथी की झलक आ गई। ही रेजेज हर हैंड, सॉरी, ही रेजेज हिज हेड, उसने अपने सिर को उठाया। एंड लुक्स ग्रेटफुली एट हर, बहुत थैंकफुलनेस के साथ रेना की तरफ देखा। सी इमीडिएटली ड्रॉज बैक एंड सेज स्टिफली, और सी इमीडिएटली तुरंत ही उसने क्या किया, ड्रॉज बैक, थोड़ा सा पीछे हटी। एंड सेज स्टिफली, और उसने बहुत स्टिफली मीन्स दृढ़ता से कहा। हरे प्रिया मीन्स आया, चलिए आगे देखते हैं। यू मस्ट एक्सक्यूज मी, आवर सोल्जर्स आर नॉट लाइक दैट, कि तुम्हें मैं ऐसा कह रहा हूं इसलिए तुम्हें मुझे माफ करना चाहिए कि हमारे जो सोल्जर्स हैं आर नॉट लाइक दैट, वो तुम्हारे जैसे नहीं हैं, ठीक है। कि जैसे तुम हो या जैसे तुम्हारे सोल्जर्स हैं, हम और हमारे सोल्जर्स वैसे नहीं हैं। सी मूव्स अवे फ्रॉम द ऑटमन, वो जो दीवान था जहां पर वो बैठा था उसके पास से थोड़ा दूर हटती है, ठीक है। आगे क्या कहती है? मैन, ओह यस, देयर आर ओनली टू सॉर्ट्स ऑफ सोल्जर्स, केवल दो प्रकार के सोल्जर्स होते हैं, ठीक ना। कौन कौन से? ओल्ड वंस एंड यंग वंस। एक जो होते हैं जो अनुभवी होते हैं, थोड़े उम्र दराज होते हैं, और दूसरे जो यंग वंस होते हैं, जो नवयुवक होते हैं। आई हैव सर्व्ड 14 ईयर्स, मैंने आर्मी में 14 ईयर्स नौकरी की है, 14 ईयर्स सर्विस की है। हाफ ऑफ योर फेलोज नेवर स्मेल्ट पाउडर बिफोर, लेकिन जो तुम्हारे सोल्जर्स हैं, हाफ ऑफ योर्स, हाफ ऑफ योर्स मींस कि तुम्हारे जो सोल्जर्स हैं उनमें से आधे से ज्यादा या आधे सोल्जर्स, ठीक है, क्या नहीं किए हैं, नेवर स्मेल्ट पाउडर बिफोर। पाउडर का मतलब है गन पाउडर, ठीक है, बारूद। तुम्हारे जो सोल्जर्स थे उनमें से आधे सोल्जर्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी गन पाउडर की स्मेल नहीं ली। गन पाउडर की स्मेल नहीं ली से मतलब है कि दे हैवेंट फेस्ड एनी बैटल, दे हैवेंट बीन इन अ वार, ठीक है। वो किसी वार में नहीं रहे, कभी किसी लड़ाई में भाग नहीं लिए। नेहा किस बात का थैंक यू कर रही है, ठीक है। तो ये बात क्लियर, मतलब कि जो सोल्जर्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक अनुभवी होते हैं, एक नवयुवक होते हैं। तो वो कह रहा है कि भाई तुम्हारी आर्मी में ना ज्यादातर जो सोल्जर्स हैं, आधे जितने सोल्जर्स हैं वो कैसे हैं, वो सब के सब नवयुवक हैं, उन्होंने बारूद की गंध नहीं पाई,
नहीं पाई। क्यों नहीं पाई भैया? क्योंकि उन्होंने कभी किसी लड़ाई में भाग नहीं लिया। बात क्लियर है? आगे जरा देखिएगा, वाई हाउ इज इट दैट यू हैव जस्ट बीटन अस, सियर इग्नोरेंस ऑफ द आर्ट ऑफ वॉर, नथिंग एल्स। और यही रीजन है कि तुमने हमें हरा दिया। तुमने हमें हरा दिया मीन्स ये पूरे स्पीच में हर जगह सिनुक डोकी का यूज हो रहा है, एक बात ध्यान में रखिएगा। जहां भी वो रेना को एड्रेस कर दिया है दैट यू हैव बीटन मी, तो रेना मीन्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल आर्मी ऑफ बुल्गारिया, एंड ही मीन्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल आर्मी ऑफ सर्बिया। ठीक है, जब हम होल को इंडिविजुअल से प्रेजेंट करते हैं तो उसको हमने क्या पढ़ा था, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिनिक डोकी। तो यहां पर जहां कहीं भी इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है कि यू हैव बीटन मी, तो ये जो है क्या है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिनिक डोकी। ठीक है, यहां पर होल को इंडिविजुअल से प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सियर इग्नोरेंस ऑफ दैट आर्ट ऑफ वॉर। तो कह रहे कि वाई वाई हाउ इट इज, वाई मीन्स क्या रीजन था, हाउ इज इट दैट कि कैसे, यू हैव जस्ट, यू यहां पर जो है सिनिक डोकी का यूज हुआ, ये बात ध्यान में रखिएगा। यू हैव जस्ट बीटन अस, अस भी किसके लिए है, सर्बियंस के लिए है। सिनेकडोकी का यूज खूब हुआ है, तो तुमने कैसे हमें बीट किया, उसका रीजन ये था कि तुम्हारे आधा से ज्यादा सोल्जर्स जो हैं वो कैसे हैं, युवा हैं, उनको बैटल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सियर इग्नोरेंस, सियर इग्नोरेंस मीन्स अटर इग्नोरेंस, पूर्णतः अज्ञानता। सियर इग्नोरेंस कंप्लीट इग्नोरेंस, पूर्ण अज्ञानता ऑफ द आर्ट ऑफ वार। किस बात की अज्ञानता, द आर्ट ऑफ वार, लड़ाई की जो टेक्निक्स हैं आर्ट ऑफ वार जो है उससे पूर्णतः अज्ञान थे, नथिंग एल्स। और कोई रीजन था ही नहीं कि जो तुम लोगों ने हमको हराया, वो तुम्हारी अज्ञानता की वजह से हम हार गए। ठीक है, इंडिग्नेंटली, इंडिग्नेंटली मतलब बहुत ही दृढ़ता के साथ कहता है, इंडिग्नेंट वे में कहता है, आई नेवर सॉ एनीथिंग सो अन प्रोफेशनल, मैंने कभी भी ऐसा, आई नेवर सॉ एनीथिंग, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कुछ, कैसा, सो अनप्रोफेशनल, इतना अनप्रोफेशनल वार। बात समझे कि नहीं, ऐसा अनप्रोफेशनल वार, ऐसी अनप्रोफेशनल फाइट मैंने कभी नहीं देखी। कौन कह रहा है, दिस इज सेइंग द मैन, द फ्यूजिटिव मैन, द सोल्जर ऑफ सर्बियन आर्मी। वो किसके विषय में कह रहा है, दैट की जो बुल्गेरियन आर्मी जिस तरह से लड़ाई लड़ी, उस तरह की मतलब अनप्रोफेशनल लड़ाई उसने कभी देखी नहीं। रहना, आयरॉनिकली, आयरॉनिकली मीन्स इन एन आयरॉनिक वे, मतलब व्यंगात्मक रूप में, यहीं पर लिख लीजिए, आयरॉनिकली मीन्स व्यंगात्मक तरीके से। ठीक है, आयरॉनिकली, ओह वॉज इट अनप्रोफेशनल टू बीट यू, क्या तुमको लड़ाई में हरा दिया जाना अनप्रोफेशनल है भाई? अगर कोई ये कहे कि भाई तुमने हमें हरा दिया और हराने का रीजन था कि तुम अज्ञानी थे और तुमने अनप्रोफेशनली लड़ाई लड़ी, तो ये क्या है, मूर्खता है भाई, तुम हम हरा दिए। लेकिन हराने में भी तरीके से हराना, या किस्मत से, जो कहावत है ना कि अंधेरे के हाथे बटेर लगा, अवधि नहीं समझ में आती होगी आपको, अवधि की कहावत है कि अंधेरे के हाथे बटेर लगना, मतलब भाग्य से कुछ पा जाना। तो भाग्य उनके साथ था, बुल्गेरियन आर्मी के साथ था, कि उनकी इग्नोरेंस और उनके अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से भी वो जीत गए। ठीक है, आगे देखिएगा, मैन वेल कम, इज इट प्रोफेशनल टू थ्रो अ रेजिमेंट ऑफ कैवलरी ऑन अ बैटरी ऑफ मशीन गन्स,
बड़े अच्छे वर्ड्स का यूज हुआ है यहां पर। एक तो देखिएगा रेजिमेंट ऑफ कैवलरी, दूसरा देखिएगा बैटरी ऑफ मशीन गन्स, बोथ आर द कलेक्टिव नाउंस। ठीक है, कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना, रेजिमेंट का मतलब है रेजिमेंट अ ग्रुप ऑफ घुड़सवार सेना। ठीक है, बैटरी ऑफ मशीन गन्स का मतलब हुआ कि अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हैविंग मशीन गन्स विद देम। सर आप अवधी बोलते हैं क्या? भैया हम अवध के हैं तो अवधी ही बोलेंगे ना, ठीक है ना। अवधी इज माई मदर टंग, जस्ट लाइक भोजपुरी फॉर गोरखपुर पीपल्स एंड देवरिया एंड कुशीनगर एंड अदर बिहार एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे इधर पूर्वांचल के लिए भोजपुरी है, वैसे हमारी जो मदर टंग है अवधी है। ठीक है, अभी ये जो बस्ती से आसपास के लोग होंगे या गोरखपुर बस्ती के नज़दीक होंगे, संत कबीर नगर के लोग होंगे, संत कबीर नगर नहीं, क्या कहते हैं भाई, हाँ संत कबीर नगर ही है, तो यहाँ के जो लोग होंगे वो अवधी तो समझ सकते हैं, बट इधर के लोग थोड़ा सा अवधी कम समझ पाते हैं, और जितना बिहार की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना कम समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम अवध के हैं, अवधी बोलते हैं। चलिए कहाँ थे भाई, कि बैटरी ऑफ मशीन गन्स। बैटरी ऑफ मशीन गन्स मीन्स आप जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड लाइक द रेजिमेंट ऑफ लाइट इन्फेंट्री। ठीक है, जो लाइट इन्फेंट्री की रेजिमेंट होती है, लाइट इन्फेंट्री का मतलब होता है, लाइट इन्फेंट्री उन सोल्जर्स को कहते हैं जो मशीन गन्स, सबसे आधुनिक जो मशीन गन्स होती हैं, जस्ट लाइक अभी जो मशीन गन्स हैं, जैसे LMG है, ठीक है, लाइट मशीन गन। ठीक है, और भी तमाम मशीन गन्स होती हैं जिनकी मारने की दूरी ज्यादा होती है और नंबर ऑफ बुलेट्स एक साथ वो कर सकते हैं, तो उन्हें आगे, सबसे आगे वार में रखा जाता है, और उनके लिए रूल है कि वो कभी पीछे नहीं हटते, मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो इन दैट मैनर तो उसने कहा कि ये कहाँ का प्रोफेशनलिज्म है कि एक जो घुड़सवार सेना है, उसको, घुड़सवार सेना के हाथ में जनरली तलवार होती है, उनके पास जो है मशीन गन्स नहीं होती हैं, बंदूक नहीं होती है, उनको ऐसी सेना जो कि मतलब मशीन गन्स लिए हुए है, पूरी की पूरी रेजिमेंट है और छुप करके मशीन गन लिए हुए बैठे हुए हैं, मीन्स कि उनके पास आधुनिक हथियार हैं जो एक साथ लगातार गोलियां चला सकते हैं, तो उनके सामने उनको भेज देना, कहाँ की बुद्धिमानी है, कहाँ का प्रोफेशनलिज्म है भाई। आप सोचो कि सामने से मतलब कहीं पर 50 लोग बंदूक लेकर के छुपे हुए हैं, और बंदूकें भी उनकी कैसी हैं, बढ़िया वाली हैं जो लगातार फायर कर सकती हैं। ठीक है, मीन्स कि एक बार उन्होंने उसमें गोलियां लगाई तो फिर आगे गोली भरने की जरूरत नहीं, जितनी भी मन हुए वो गोलियां चलाते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग घोड़े पर सवार होकर के तलवार लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तब क्या होगा उस कंडीशन में, सिचुएशन क्या बनेगी? सिचुएशन उसमें ये बनेगी कि जो घुड़सवार सेना है वो आगे आएगी जरूर, लेकिन गोलियां लगते ही गिरते जाएंगे, गोलियां लगती जाएगी वो घुड़सवार सेना गिरते जाएंगे। ठीक ना, तो ये कोई बुद्धिमानी का गेम नहीं था, कोई बुद्धिमानी की लड़ाई नहीं थी, बुद्धिमानी वाला डिसीजन नहीं था। तो कह रहा कि क्या ये कोई प्रोफेशनलिज्म है? नहीं है। विद द डेड सर्टेनिटी दैट इफ द गन्स गो ऑफ नॉट अ हॉर्स आर मैन विल एवर गेट विद इन 50 यार्ड्स ऑफ द फायर। कि जहां पर इस बात की पूरी श्योरिटी है, डेड सर्टेनिटी, डेड सर्टेनिटी मीन्स कंप्लीट श्योरिटी, जहां पर इस बात की कंप्लीट श्योरिटी है, क्या? दैट इफ द गन्स गो ऑफ, गो ऑफ का मतलब गॉट फायर्ड, अगर बंदूक से गोलियां निकलती हैं, बंदूक से गोलियां चलती हैं, तब क्या होगा? नॉट अ हॉर्स, ना तो एक घोड़ा, और ना ही उस पर बैठा हुआ घुड़सवार, मतलब ना तो घोड़ा ना घुड़सवार, दो के दोनों, एवर गेट विद इन 50 यार्ड्स ऑफ द फायर। ठीक है, मतलब जहां से फायर हो रहा है उनके 50 यार्ड्स, 50 गज की दूरी के भीतर वो आ सकेंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं है अगर गोलियां चलती हैं तब। इफ, सॉरी, आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं खुद अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सकता था, व्हेन आई सॉ इट, जब मैंने इसे देखा था, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल थिंग। रैना ईगरली टर्निंग टू हिम,
बहुत ही उत्सुकता के साथ उसकी तरफ घूमते हुए वो बोलती है, एज ऑल हर एंथुजियाज्म एंड हर ड्रीम ऑफ ग्लोरी रश बैक ऑन हर। जो उसका एंथुजियाज्म था, जो उसकी ड्रीम्स थी, जो उसकी ग्लोरी थी, अभी कुछ देर पहले जो हीरोइज्म सर्जियस के लिए उसके दिमाग में था, वो सारा का सारा बैक आने लगा, वापस आने लगा। डिड यू सी द ग्रेट कैवलरी चार्जर, डिड यू सी द ग्रेट कैवलरी चार्ज, क्या तुमने वो अटैक देखा था, वो ग्रेट कैवलरी चार्ज जो था? ओह टेल मी अबाउट इट, प्लीज प्लीज टेल मी, डिस्क्राइब इट टू मी, मुझे इसके विषय में और डिस्क्राइब करिए और डिटेल में बताइए प्लीज। मैन यू नेवर सॉ कैवलरी चार्ज डिड यू, क्या कभी आपने एक कैवलरी चार्ज देखा? कैवलरी चार्ज समझते हैं ना, घुड़सवार सेना का आक्रमण, कैवलरी चार्ज लिख लीजिए, घुड़सवार सेना का आक्रमण, यहीं पर नीचे लिख देते हैं, चलिए ऊपर लिख देते हैं, घुड़सवार सेना का आक्रमण, ठीक ना। डिड यू, क्या आपने देखा है? रेना हाउ कुड आई, मैं भला कैसे देख सकती हूं, ठीक है। चलिए अब यहां मैन से हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, फटाफट से 5 मिनट में आप पूछ लीजिए, देयर आफ्टर हम लोग क्लास को सम अप करेंगे। कोई डाउट, कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है, फटाफट से आप शेयर कर दो। हाँ एक बात, तो एक लड़की ने मुझे लिखा था कि कोई, हाँ कैसे नोट्स क्या बनाना है। चलिए अब नोट्स पे आज चर्चा तो नहीं हो पाई, अब आज हो भी नहीं पाएगी, टाइम काफ़ी हो गया है, 10:17 हो रहे हैं, तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे तो एक दूसरा एक अलग से सेशन किसी टाइम में हम लेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, ठीक ना, कैसे आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, तो आधे घंटे का एक डिस्कशन सेशन हो जाएगा, हम लोग कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, आप इसको हमें बताइएगा कि करना है कि नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि क्लास के टाइम में करेंगे तो हमें लगता है डिस्टर्बेंस होगा, और ये कम से कम आधे घंटे का टाइम खाएगा, तो एक अलग से सेशन हम लोग लिख लेंगे, कर लेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर नोट्स फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर बी ए एंड एम ए एंड अदर नोट्स, अदर जो आप एग्जामिनेशन इन फ्यूचर देंगे, तो उन सबके लिए नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, इस पर हम लोग एक अलग डिस्कशन कर सकते हैं। करना था आज ही, अब नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। अगर और कोई क्वेश्चन है आपका, देन आप फट से पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग करते हैं सेशन को एंड। अगला सेशन हम लोग यहाँ से स्लाइड नंबर 144 से स्टार्ट करेंगे, और फिर 144, चलिए जल्दी से आपका कोई क्वेश्चन है, अगर नहीं है तो जस्ट नो लिख दीजिए, ठीक है। हम लोग कंटिन्यू करेंगे 144 से इन नेक्स्ट क्लास, पॉसिबली कल अगर अजीत सर क्लास लेंगे तो हमारी क्लास नहीं होगी, नहीं लेंगे तो हमारी क्लास होगी, ठीक है। और यस सर, वी के ए मतलब भाई, अब इतना शॉर्ट में मत लिखा करो यार, हमको समझ में नहीं आता, अंग्रेजी हमको नहीं आती इतनी। चलिए ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लास एंड विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास। हाँ मैं बता ये रहा था कि अगर जो है कल अजीत सर क्लास लेते हैं, देन हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, सैटरडे को मिलेंगे। अगर अजीत सर क्लास नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग कल भी मिलेंगे। हाँ एक कंडीशन और बन सकती है कि अगर अजीत सर की क्लास का जो टाइमिंग है वो 9 AM से डिफरेंट होता है, उस कंडीशन में भी हम लोग क्लास लेंगे। अगर 9 AM में अजीत सर की क्लास होती है तो वेल एंड गुड, 9 AM में अजीत सर की क्लास नहीं होती है तब उस कंडीशन में हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सो मीट अगेन, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।